तो आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। WhatsApp में एक अपडेट आया है और जिसमें WhatsApp न्यू फीचर ऐड किया गया है। जो WhatsApp का न्यू फीचर है वो है WhatsApp प्राइवेट रिप्लाई इन ग्रुप मैसेजेस। जी हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा जैसे हम ग्रुप में मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप में होते हैं, तो उस टाइम पे सब लोग एक दूसरे के मैसेज को पढ़ लेते हैं। लेकिन WhatsApp का जो नया फीचर है उसकी मदद से आप, अगर आप किसी को पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं ग्रुप में ही, तो आप कर सकते हैं। सीक्रेटली वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और जानिए WhatsApp के न्यू फीचर, WhatsApp प्राइवेट रिप्लाई के बारे में, WhatsApp न्यू फीचर इन 2019। तो आइए देखते हैं कैसे इस फीचर को हमें यूज़ करना है और कैसे हम किसी को भी ग्रुप में प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं और सब लोगों को पता नहीं चलेगा। आप खाली जिस बंदे को ग्रुप में मैसेज करना चाहते हैं ग्रुप में ही, और सभी लोगों को पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसी बंदे को पता चलने वाला है जिसको आप मैसेज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, और या फिर आप जो भी iOS में जो स्टोर यूज़ करते हैं उस पर आपको अपने WhatsApp को अपडेट करना होगा। अगर आपका अपडेट नहीं है तो ये फीचर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अपडेट करने के बाद आपको WhatsApp को अपना ओपन करना है, ठीक है। और एक बार बता देना चाहता हूँ एक बात मैं आपको, कि एंड्रॉयड में जो ये फीचर है वो ऑलरेडी है। अभी अभी 8 जनवरी 2019 को व्हाट्सएप पर न्यू फीचर आया है जो iOS के लिए है। तो व्हाट्सएप प्राइवेट रिप्लाई जो फीचर है वो iOS वर्ज़न के लिए ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना है, व्हाट्सएप को अपना फिर जाके ओपन करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप फीचर जो है बहुत ही कमाल का फीचर है, और 2-3 फीचर और आने वाला है, वो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले इस फीचर को कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। आपको अपने किसी भी ग्रुप में जाना है, जैसे आपने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होते हैं उसमें अगर आपको कोई एक पर्सनल, कोई एक इंडिविजुअल को मैसेज करना है ग्रुप में ही, तो उस मैसेज को क्लिक करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और राइट साइड में टॉप में राइट साइड में जो 3 डॉट होते हैं उन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला फीचर आ जाएगा रिप्लाई प्राइवेटली, ठीक है। आपको मैसेज पे क्लिक करके रखना है, फिर 3 डॉट वाला जो बटन है उसको दबाना है और आपके सामने पर्सनल चैट खुल के आ जाएगी। जी हाँ, जैसे आप उस मैसेज पे क्लिक करते हैं वो मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा, और रिप्लाई प्राइवेटली करते ही आप क्लिक करने के बाद आपके सामने उस बंदे की और आपकी प्राइवेट चैट ओपन हो जाएगी, और ये मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा आपका रिप्लाई क्या है उस मैसेज के लिए। तो वो बंदा ग्रुप के मैसेज को आपका रिप्लाई पढ़ सकता है। तो इस तरीके से हम व्हाट्सएप प्राइवेट रिप्लाई का फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यही था व्हाट्सएप का न्यू फीचर 2019 जो है ये आया है। तो इसी तरीके से आप अपना जो व्हाट्सएप का प्राइवेट रिप्लाई प्राइवेटली जो फीचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए। और जो ये फीचर था ये iOS वर्जन के लिए भी आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए जो यूज़ करते हैं उनके लिए, और सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, SEO के रिगार्डिंग, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कुछ वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।